हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सीलिंग मशीन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूं और मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर सीलिंग मशीन के लिए वीडियोस बनाऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है और उसमें कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं पार्ट वाइज बनाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस मशीन के अंदर जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं बनाऊँगा। अभी मैं आपको इसके अंदर कुछ बेसिक जानकारीज हैं जो आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रेंड, ये जो सीलिंग मशीन है ये 2-in-1 होती है। 2-in-1 जैसे कि इसके अंदर दो तरह से हम काम कर सकते हैं। पहला, कोई भी किसी भी तरह का ड्राई प्रोडक्ट जैसे कि चावल है, चीनी है, दाल है, किसी भी तरह का कोई भी पार्ट्स है, कुछ है, सब आप पैक कर सकते हैं। दूसरा, ये होम बेस्ड बिजनेस कुछ लोग करते हैं गर्मियों के सीज़न में, जैसे कि पेप्सी पैक करना, मिल्क पैक करना, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट। तो ये दोनों तरह से दोनों प्रोडक्ट पैक करती है। होता क्या है उसमें कि अगर जैसे आपको ड्राई प्रोडक्ट पैक करने होते हैं तो इसमें कुछ इस तरह के ये दो एलिमेंट्स होते हैं, ये इस एलिमेंट पे वर्क करता है। आप देख सकते हैं, एक तो ये फ्लैट एलिमेंट है, फ्लैट है ये जो एलिमेंट मेरे पास है ये फ्लैट है इस मशीन के लिए। ये जो है ड्राई प्रोडक्ट के लिए पैक यूज़ में आता है। अगर आपको जैसे कि ड्राई प्रोडक्ट वगैरह का काम करना है, वो पैक करना है, उसमें कोई भी पार्ट्स वगैरह या किसी भी तरह के वेजिटेबल्स हैं वगैरह, तो आपके लिए ये एलिमेंट यूज़ होगा। आपको ये एलिमेंट इस मशीन में इंस्टॉल करना होगा। एक एलिमेंट इसमें पहले से इसमें लगा हुआ है, ये सीजनेबल आता है। जो भी आप परचेज करते हैं हमारी तरफ से तो वो सीजनेबल होता है। अब गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर राउंड एलिमेंट हम इसमें लगा के देते हैं, ये है राउंड एलिमेंट। इसका काम क्या है, इसके फंक्शन है कि ये आप कोई भी पैकेट पैक करेंगे तो वो उसको सील करने के साथ साथ कटिंग कर देगा थोड़ा। जैसे कि अभी आजकल पेप्सी का सीज़न चल रहा है तो पेप्सी लोग पैक करते हैं, तो पेप्सी में क्या है कि ये सील और कटिंग दोनों एक साथ कर देगा। सील करने के बाद वो पाउच कट के अलग हो जाएगा। तो वो काम है इस राउंड वाले एलिमेंट का। इस ये एलिमेंट अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये सील एंड कटिंग करेगा। और ये अगर एलिमेंट इसमें लगा रहेगा या इसमें लगाना है हमें, तो ये सील केवल सील करेगा। ये 3 mm के आसपास होता है, 2.5 या 3 mm के आसपास इसकी वेट होती है। अब मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इस मशीन के अंदर ये आप देखते हैं एक कपड़ा लगा है दोनों पत्तियों के बीच में। ये कपड़ा ज़रूरी होना चाहिए। काफ़ी कस्टमर्स क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो इस कपड़े को निकाल देते हैं। तो ये कपड़ा इसमें ज़रूरी लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक वाइट कपड़ा ऊपर भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन क्लॉथ। ये भी टेफ्लॉन क्लॉथ है, ये भी टेफ्लॉन क्लॉथ है, ये दोनों ऊपर और नीचे लगा रहना चाहिए। काफ़ी कस्टमर इसको भी निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। निकालने से प्रॉब्लम ये आता है कि पॉलीथीन चिपकने लगती है, जल जाती है, सही से सील नहीं करती, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होती है और एलिमेंट भी ख़राब हो सकता है। तो ये कपड़ा भी लगा रहना चाहिए, ये कपड़ा भी लगाना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर हमें वेजिटेबल्स या कोई भी ड्राई तरह के प्रोडक्ट पैक करने हैं तो हमें इसका जो टाइमर टेम्परेचर है, ये इसको टाइमर बोलते हैं। टाइमर मीन्स आप इसको जैसे हैंडल को दबाएंगे तो सेकंड के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो अगर हम 2 पे रखेंगे तो 2 पे रखने के बाद जैसे ही हम हैंडल को दबाएंगे इसमें से एक बीप साउंड आएगा। जब तक बीप साउंड आएगा तब तक ये हैंडल हमें दबा के रखना है। जैसे ही बीप साउंड बंद हो जाएगा इस हैंडल को छोड़ देना है, आपका जो भी पाउच है वो सील हो चुका होगा। तो अगर हमें कोई वेजिटेबल या ड्राई प्रोडक्ट पैक करने हैं तो ये एलिमेंट लगेगा फ्लैट वाला, और हमें टाइमर 2 या 3 के बीच में रखना है, 2 पर और 3 पर। 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा रखेंगे तो आपके पॉलीथीन जल सकता है, अगर पॉलीथीन पतला है तो। तो ये जो टाइमर है इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 पे रख के आप ट्राई कीजिए जहाँ पे, क्योंकि इसका कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है आपके पास जो पॉलीथीन है वो कितने माइक्रोन की है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप 1 पे रखिए। 1 पे रखने के बाद आप सील करके देखिए, बेटर आता है तो 1 पे रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि पॉलीथीन जल रहा है तो 1 से भी डाउन करना है। आपको लगे पॉलीथीन चिपक नहीं रहा है तो इंक्रीज करना है, इसका मेथड। अगर आपकी पॉलीथीन जल रहा है तो आपको टेम्परेचर डाउन करना है। अगर आपकी पॉलीथीन चिपक नहीं रहा है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ये इसका मेथड है इसको टाइमर को सेट करने का। दूसरा ये, अब मैं आपको बात करता हूँ इस एलिमेंट के बारे में जो राउंड एलिमेंट है। ये राउंड एलिमेंट है, तार जैसा बिल्कुल गोल होता है,
ये लिक्विड प्रोडक्ट के लिए होता है और इसका फंक्शन जैसा कि मैंने बताया सील करने के साथ साथ कटिंग कर देता है। अगर ये इस मशीन में लगा हुआ है तो पॉलीथीन को सील करने के साथ साथ ये काट देगा। अब जैसे ही काफ़ी लोग ये यूज़ करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका कहना होता है, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं, उनका कहना है कि हमारी बकेट जो है सील नहीं कर रहा, कटिंग नहीं कर रहा, या पेप्सी का अगर वो काम कर रहे हैं तो लीकेज होता है। मैं आपको बता दूं लीकेज की प्रॉब्लम जो है इस मशीन से नहीं होती, लीकेज की प्रॉब्लम हमारी होती है हमारे टाइमर से, इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा अगर आपने उसमें मटेरियल ज़्यादा भरा हुआ है पेप्सी के लिए। तो पेप्सी के लिए हमें ये कितने पे रखना है, तीन से कम नहीं होगा, तीन से कम में क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप तीन से स्टार्ट कर सकते हैं, तीन चार और पाँच तक आप इसे ले जा सकते हैं, पाँच तक ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तीन और चार में ही आपके सारे काम हो जाएंगे, सील एंड कटिंग तीन और चार पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपने इसकी फुल एफिशिएंसी पे काम किया तो आपका एलिमेंट जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे, पॉलीथीन जल जाएगा, लीकेज होगा। अब मैं आपको बताऊँ लीकेज की बात कर रहा था मैं, लीकेज क्यों होता है। पहला तो ये लीकेज इसलिए होता है कि अगर हमने टेम्परेचर जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हमने किया हुआ है तो लीकेज की प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो सील करने के साथ साथ कटिंग कर देगा, कटिंग इतना ज़्यादा गर्म होगा कि जैसे आपकी पाउच कटेगा वो चिपक नहीं पाएगा, उससे पहले ही वाटर बाहर आ जाएगा, लीकेज की प्रॉब्लम पहला ही होता है। दूसरी वजह क्या होती है लीकेज की, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है तो आपको लगेगा कि सील नहीं कर रहा और आप टेम्परेचर हाई पे ले जाएंगे इसे, तो इलेक्ट्रिसिटी कम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम है, कम से कम इस मशीन को 200 या 220 चाहिए मशीन, अगर 200 या 220 से कम है तो आपको समस्या जो आ सकती है, आप देखेंगे कि आप हैंडल दबा रहे हैं, लाइट भी आ रहा है, गर्म भी हो रहा है, लेकिन पहले तो सही काम कर रहा था, अभी सही काम नहीं कर रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो उसका प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर यहाँ आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम है तो आप वेट कर लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सही आए आप चिपका के इसको आप यूज करके देखिएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और लीकेज का प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस मशीन के अंदर इतना ही है, बाकी मैं आपको एक बार यूज करके बता देता हूँ। जैसे आप इसको जीरो पे करने के बाद, मैंने एक पावर में लगाया हुआ है, जीरो करने के बाद जैसे ही आप हैंडल को दबाएंगे, जीरो या वन टू थ्री और वन दबाएंगे तो आपको तब तक दबा के रखना है, कट हो गया तो आप दबा के रखना है जब तक ये कट ना हो जाए। कट होने के कुछ सेकंड बाद इसको आप छोड़ेंगे, आपका पॉलीथीन सील हो चुका होगा। अगर और मैं लीकेज की प्रॉब्लम बता दूं कि किस वजह से आता है, जैसे ही आपने दबाया और कट होने के तुरंत बाद अगर आप उठा देते हैं तो ठीक से चिपक नहीं पाता और लीकेज हो जाता है। खासकर पेप्सी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप दबाएंगे, दबाने के बाद कट होने के बाद आप कम से कम 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद ही हैंडल उठाएं, अगर आपने तुरंत हैंडल उठा दिया तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में लीकेज की प्रॉब्लम किस किस वजह से आती है, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो, अगर आपने हैंडल जल्दी उठा दिया तो, और दूसरा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो ये है इस मशीन के बारे में बेसिक जानकारी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इस मशीन में, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं जिन कस्टमर्स को एक महीना तो नहीं, 6-6 महीने या 1-1 साल हो जाते हैं जिनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, ख़राब हो जाती है, तो बात करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। तो उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कम्प्लीट वीडियो जिसके अंदर फुल नॉलेज है। इस मशीन को रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आप सभी इसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं, केवल कोई भी फॉल्ट आप 5 से 7 मिनट में कोई भी फॉल्ट आप ठीक कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने तरह के फॉल्ट आते हैं, मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे रिपेयरिंग के सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिनको जिस वीडियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए उनको फिर काफ़ी टाइम लगेगा सॉल्यूशन देखने में। मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा, जैसे कि आपकी मशीन में पावर नहीं आ रहा है, मशीन ऑन हो रहा है लेकिन हिट नहीं हो रहा, मशीन काट नहीं रहा है, मशीन से आवाज़ नहीं आ रहा, मशीन में लाइट नहीं जल रहा है, वो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी वीडियोस मैं पार्ट वाइज बना के अपलोड करूँगा और आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा जिन लोगों को रिपेयरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम्स हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर ख़रीदी है ये सीलिंग मशीन और आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको अगर पैक करना है वेजिटेबल,
तो वेजिटेबल पैक करने के लिए सबसे पहले आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा। इस मशीन में एक ऐसे उंगली घुमाओगे तो पता लगेगा इसमें एक राउंड एलिमेंट लगा है। इस मशीन में दो तरीके के एलिमेंट लगते हैं। एक एलिमेंट ये होता है फ्लैट, और एक एलिमेंट ये होता है तार जैसा, ये तार जैसा राउंड। तो अगर आपको वेजिटेबल्स या कोई भी पार्ट्स या किसी भी तरह का कोई सूखा प्रोडक्ट पैक करना है तो आपको ये एलिमेंट इसमें लगाना होगा। और अगर आपको करना है पेप्सी का बिजनेस, पेप्सी से रिलेटेड या मिल्क प्रोडक्ट या पेप्सी वगैरह पैकिंग करनी है, जैसे कि ये पेप्सी पाइप रोल है, आपको ये पैक करना है तो उसमें लगेगा ये राउंड वाला एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, राउंड वाला एलिमेंट इसमें पहले से लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट कैसे चेंज किया जाएगा। अगर आप वेजिटेबल पैक कर रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सील एंड कटिंग कैसे करता है। इसमें आप पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद आप इसको दबाएंगे और टाइमर आप 3 पे सेट कर लेंगे। दबाने के बाद आपको मशीन का हैंडल दबाए रखना है तब तक जब तक बीप साउंड आएगा। बीप साउंड बंद होने के 1 या 2 सेकंड बाद आपको हैंडल छोड़ना है, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ। सील एंड कटिंग हो चुका है। तो अगर आपको ड्राई प्रोडक्ट पैक करना है तो उसमें लगेगा ये फ्लैट एलिमेंट। एलिमेंट तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेंज होगा। इसमें हम कैसे ये वाला एलिमेंट लगाएंगे, आपको ये स्क्रूज लूज करना है, आपको पूरा नहीं खोलना है, एक दोनों तरफ से लूज कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। सॉरी, एक तरफ से ही यूज़ करना है दो एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट चेंज करना है। अगर आपको ये क्लॉथ भी चेंज करना होता तो, अगर आपको ये क्लॉथ चेंज करना है तो दोनों तरफ से लूज़ होगा। अगर आपको एलिमेंट चेंज करना है तो ये दोनों तरफ से आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आप ये कपड़ा उठाएंगे, कपड़ा उठाएंगे, इसमें गोल वाला एलिमेंट लगा हुआ है पहले से, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम खोल देंगे यहाँ से। ये फंसा हुआ है, ये हमने खोल दिया है एलिमेंट। ये स्क्रू खोल दिया है हमने। खोलने के बाद यहाँ पे एक पट्टी लगा होता है, आप देख लीजिए बीच में सेंटर में ये वाला जो पट्टी है, इसमें एक पॉइंट फंसा हुआ होता है इसका। ये खोलेंगे इधर से निकल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लैट एलिमेंट इसमें कैसे लगेगा। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसमें आपको एक पॉइंट फंसाना है ऐसे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इधर लेके आना है। अभी आप देखेंगे थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये खींचना है। पहले स्क्रू इसमें लगा लीजिए, स्क्रू लगा लिए। लगाने के बाद आप इसको खींचेंगे तो ये पॉइंट पे पहुंच गया है, और आप इसको कस दीजिए। बहुत ही आसान है एलिमेंट चेंज करना। एलिमेंट चेंज हो चुका है। अब इस एलिमेंट से आप पेप्सी नहीं पैक कर सकते, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट पैक नहीं कर सकते, लेकिन वेजिटेबल कोई भी ड्राई प्रोडक्ट वगैरह आप इससे पैक कर सकते हैं। इसका काम है ये केवल सील करेगा, कटिंग नहीं करेगा। इतना करने के बाद ये कपड़ा, फ्रेंड्स ये कपड़ा इस पर ज़रूर होना चाहिए, ये कपड़ा निकालना नहीं है, और ना ही ऊपर वाला कपड़ा इसमें लगा जो होता है, ये भी हमेशा लगा रहेगा और ये भी हमेशा लगा रहेगा। अगर ये जल जाते हैं किसी कस्टमर से यूज करने के बाद, काफ़ी यूज करने के बाद अगर ये जल जाते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लिंक दे देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये लगाने के लिए आपको
ये कपड़ा एक तरफ से पॉइंट इसका फंसाएंगे कॉर्नर, और आप ऐसा कर दीजिएगा, कपड़ा अंदर हो गया है ठीक है, और आप ये इसको दबाइए ऐसे और इसको वापस से कस दीजिए। तो फ्रेंड्स ये सील करने का जो है ये ड्राई प्रोडक्ट पैक करने के लिए एलिमेंट इसमें इंस्टॉल हो चुका है, इसमें किसी भी तरह का ड्राई प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे, तो ये एलिमेंट हमारा इसमें लग चुका है, आप इसमें कोई भी ड्राई वेजिटेबल्स ड्राई प्रोडक्ट कोई भी पार्ट्स वगैरह पैक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पॉलिथीन सील करके, ये मशीन हमारी 8 इंची की है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा पाउच है तो आपका वो पूरा सील नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको 12 इंची का मशीन लेना पड़ेगा। ये हमारा 8 इंची का है, तो मैं आपको यहाँ से केवल ट्राई करने के लिए सील करके दिखा देता हूँ। इसमें टेम्परेचर आपको कम करना है, 1 पे करना है या 2 पे, और दबाना है। साउंड आया जब तक मैंने दबा के रखा, साउंड बंद होने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगा और चेक करेंगे पॉलीथीन को। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये लाइन टाइप सील हो चुका है, इतना ही है। तो इस वीडियो में हमने बताया आपको एलिमेंट कैसे चेंज करते हैं, और ये 2-in-1 है तो कैसे काम करता है, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए कैसे काम करेगा और ड्राई प्रोडक्ट के लिए कैसे काम करेगा। आज मैं बात करूंगा, मेरे पास काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स की कॉल आती हैं, तो इसी के लिए वीडियो बनाया। उनकी कहना समस्या होती है कि हमें 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, अभी ये मशीन ठीक चल रहा था लेकिन अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो हमारी यह वीडियो है पावर के रिगार्डिंग, अगर आपकी मशीन में पावर नहीं आ रही है तो आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने होते हैं और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर अगर नहीं आ रही है तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि हमारा ये जो 2 पिन प्लग है ये सही है या नहीं है, तो इसे चेक करना है हमें। तो इसे चेक करने का आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप अगर आपको लग रहा है कि ये ख़राब है, अगर आपको लग रहा है ये ख़राब है, तो आप काट के और 2 पिन प्लग मार्केट से लेके इसमें लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये मशीन खोला हुआ है पीछे से, आप अपनी मशीन को खोल लीजिएगा, खोलने के बाद चेक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आप अपनी मशीन को ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद ये जो है आपको ऐसे दबाना है बैक करके, तो आप अपने मशीन कैसे उल्टा करके आप ये दबा के, और ये जो लीवर इसको बोलते हैं लीवर स्विच, ये इस स्विच से टच होना चाहिए। ये जो है इसमें दिखाई दे रहा है ये ऑन ऑफ स्विच है इस मशीन का, और जैसे ही हैंडल प्रेस करते हैं तो ये लीवर स्विच इस मशीन को ऑन करता है, तो ये मशीन ऑन हो गई है। तो आपको दूसरा पॉइंट ये चेक करना है कि जैसे आप हैंडल दबा रहे हैं तो ये पॉइंट, ये जो लीवर स्विच है, लीवर पत्ती है, ये स्विच को प्रेस करके ऑन कर रही है या नहीं। अगर ऑन कर रही है तो ठीक है, नहीं अगर ऑन कर रही है तो आपको ये पत्ती इतना अगर गैप बना हुआ है तो आप प्लास से पकड़ के इसे मोड़ के इतना कर सकते हैं कि ये इसको प्रेस करे, इस लीवर को आप प्लास से, क्योंकि यूज़ करते करते कई बार बेंड हो जाता है, तो आप इसे बेंड कर सकते हैं। अगर दबाने के बाद भी इतना अगर गैप है तो प्लास से बेंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है, ये देखिए आप दबाते रहेंगे लेकिन ये स्विच ऊपर की तरफ हो गया, अब ये स्विच इसको टच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो इस स्विच को आप उंगली से ऐसे दबा दीजिएगा और ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अभी हम बताते हैं कि इतना करने के बाद भी अगर पावर नहीं आ रही, वैसे तो आ जाती है पावर अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको देखना है कि ये जो स्विच है आपको डायरेक्ट उंगली से दबा के देखना है। अगर उंगली से दबा के देख रहे हैं और ऑन हो रही है तो आपके लीवर में बेंड करना है, अगर ये दबाने से भी ऑन नहीं हो रही है तो आपने मेन लीड चेक कर ही लिया, हो सकता है बीच से भी मेन लीड आपकी ख़राब हो, तो यहाँ से वायर वगैरह ना छुड़ा हो, ये चेक करने हैं।
और इस केस में स्विच भी ख़राब हो सकता है, लेकिन स्विच पे जाने से पहले हमें जाना होगा इस पीसीबी पे, मदरबोर्ड पे, ये हमें खोलना है। खोलने के मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि जिसमें जो तार होते हैं कई बार अगर टूट गया है और आप उसे नहीं लगा पा रहे हैं, कहाँ लगेगा तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी। मैं उसे खोल के दिखा देता हूँ, इसमें तार होते हैं तो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से भी आती है, अगर वायर छूटा हुआ होगा तो यहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने खोल लिया है इसको, लेकिन फ्रेंड्स खोलने के बाद जब आप इसे वापस बंद करें तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। ये वापस ये आप देखेंगे इस पीसीबी के नीचे गत्ता लगा हुआ है, गत्ते इस रबड़ है, रबड़ के ऊपर गत्ता लगाया जाता है, गत्ते के बाद ये पीसीबी लगाया जाता है। आपने अगर गत्ता या रबड़ नहीं लगाया और आप डायरेक्ट पीसीबी को कस देंगे तो इसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बॉडी में करंट भी आ सकता है, तो आप वापस जब बंद करें इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको रिवर्स उल्टा कर लिया है बोर्ड को, और मैं दिखा देता हूँ ये जो मेन सप्लाई आई हुई है, इस मेन सप्लाई की जो वायर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये है, मेन सप्लाई जो इधर से स्विच से आ रही है यहाँ पे लगेगा, और ये जो दो वायर हैं ये ट्रांसफार्मर के, तो अगर ऑन नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया, आगे फॉल्ट हो सकता है यहाँ से वायर टूटा हुआ हो, यहाँ से भी वायर टूटा हुआ नहीं है तो ये वायर हो सकता है ये टूटे हुए हों, तो आप ये चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों ये सारे वायर ठीक लगे हैं तो कंफर्म है कि आपका ये स्विच ख़राब है। तो इस स्विच के अंदर ये जो दो वायर हैं, आप इस स्विच को चेक करने के लिए एक पॉइंट ये वाला यहाँ से वायर छुटाइए और एक ये वायर छुटा के आप इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर डायरेक्ट करने से ऑन हो गई मशीन, डायरेक्ट ये वाला और ये वाला पॉइंट डायरेक्ट करने से आप वायर को आपस में ज्वाइंट करके देख लीजिए, अगर ऑन होती है तो आपका ये स्विच ख़राब है। अगर डायरेक्ट इन दोनों को ज्वाइंट करने से भी मशीन ऑन नहीं हो रही है तो आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। इसके अलावा ऑन होने से रिलेटेड वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑन होने से रिलेटेड क्या क्या समस्याएँ हो सकती है। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स चेक कर लिए तो आपकी मशीन 101% ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑन होने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस इतना ही। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट आपका वायर होता है, दूसरा पॉइंट ये पत्ती आपकी इस पर टच नहीं कर रही है तो हो सकता है, तीसरा पॉइंट हो सकता है कि आपके यहाँ पे वायर या तो इन दोनों में से कोई वायर छुटा हुआ या इन दोनों में से छुटा हुआ है तो हो सकता है, या हो सकता है कि आपका ये स्विच ख़राब हो, या फिर लास्ट एंड फाइनल ये जो है 1% चांस होते हैं, 1% भी होता है, 0.5% चांस है कि ये ख़राब हो, अदरवाइज ये ख़राब नहीं होता, इसके भी बहुत कम चांस होते हैं। ज़्यादातर चांस है आपकी मशीन ऑन नहीं हो रही है तो ये पत्तियाँ बैंड हो सकती है, या वही वायर ख़राब हो सकता है, या यहाँ से वायर छुटा हो सकता है, और 10% चांस है कि आपका ये स्विच ख़राब हो। इसके अलावा ऑन होने से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपने अगर इतना जान लिया, मैंने आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप ठीक से कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बोर्ड जब आप लगाएं तो आपको सबसे पहले ये रबड़ इसमें ये देखिए ये रबड़ आपको मैं आपको कस के बता ही देता हूँ, ये रबड़ आपको यहाँ पे प्लेस करना है, फिर आपको वो जो गत्ता लगा हुआ था वो गत्ता वापस से लगाना है। अगर ये गत्ता ख़राब हो चुका है तो आप कोई भी गत्ता टुकड़ा आपके यहाँ पे मिल जाएगा आराम से, कोई भी लगा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लगाना है वापस, ऐसे लगाना है, लगाने के बाद इसको स्क्रू लगाना है ऐसे, और फिर आपको ये कस देना है। अब इतना स्टेप आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने आपको इस पावर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको 100% बता दी है, अब आप खुद से अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं हम इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जो काफ़ी कस्टमर्स की मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं कि उनकी मशीन जो है कटिंग नहीं कर रही, ऑन हो रही है, जैसे कि आप पावर प्लग लगाएंगे ऑन, ये आप इंडिकेटर देख रहे हैं ऑन हो रही है लेकिन सील नहीं कर रही, तो सील नहीं करने से रिगार्डिंग
जितने भी पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपकी मशीन सील नहीं कर रही, ऑन है लेकिन सील नहीं कर रही, तो जितने भी पॉइंट्स हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, इस प्रॉब्लम के कितने पॉइंट हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो होता है हमारा सबसे पहला एलिमेंट। अगर एलिमेंट ख़राब है तो आपकी मशीन ऑन होगी, बजर साउंड भी आएगा, बीप साउंड, कटिंग कट भी होगा, जैसे कि ये कट बोलते हैं इसको, इसको कट मारना बोलते हैं, ऑटो कट। तो ऑटो कट भी हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा, सील नहीं हो रहा, हिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट ख़राब हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। उसे कैसे चेक कर सकते हैं, आपको ये दो स्क्रूज लूज़ करने हैं। लूज़ करने के बाद आपको ये कपड़ा उठाना है, यहाँ से ये कपड़ा उठाना है, आराम से कपड़ा निकालना ताकि फट ना जाए। कपड़ा उठाना है, कपड़ा उठा के देखना है। एक तो देखने से पता लग जाएगा कि कहीं से अगर जला हो, टूटा होगा तो बीच से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट चेक करना है। एलिमेंट चेक करने के बाद दूसरा पॉइंट है कि आप ये जो पॉइंट है इसको दोबारा टाइट करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे कार्बन भी आ जाता है, यहाँ भी कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना पॉइंट छोड़ देता है और गर्म नहीं होता। तो आप इसे ऐसे स्क्रू टाइट कर सकते हैं, थोड़ा पंच कर सकते हैं दोनों तरफ और चेक कीजिएगा। तो ये पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, एलिमेंट। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं कस देता हूँ। दूसरा पॉइंट, हमें ये मशीन खोलना होगा पीछे की तरफ, ये चार स्क्रूज लगे हैं, ये खोल लेते हैं हम। मशीन में ये पार्ट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर मशीन आपका हीट नहीं हो रहा, तो ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के अंदर ये दो वायर होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ये और एक ये वाला। तो एक वायर जो है इस बॉडी से ग्राउंड होता है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वायर अगर यहाँ से ब्रेक है, टूट गया है यहाँ से, आप इस कपड़े को ऐसे हटाएंगे तो दिख जाएगा ये, अगर यहाँ से टूट गया है तो आपकी मशीन ऑन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गर्म नहीं होगा, सील नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर अगर ये वहाँ से छूट गया, टूट गया, तो आपकी मशीन हिट नहीं होगी। फ्रेंड्स तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, चौथा पॉइंट यहाँ से है और ये जो पॉइंट सेंटर पत्ती आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पत्ती है, ये पत्ती अगर सेंटर में ना हो के इधर टच हो रहा है, इस बॉडी में इधर टच हो रहा है, तो आपकी मशीन हिट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, और आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये एक पॉइंट तो वायर आपका बॉडी में ग्राउंड रहेगा ही रहेगा, दूसरा भी अगर यहाँ से इस पत्ती के जरिए अगर ग्राउंड हो गया तो ये ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट यही है। पहला पॉइंट हो गया हमारा एलिमेंट, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया ये वाला वायर, ये ठीक है, ये वाला वायर, और तीसरा पॉइंट हो गया ये पॉइंट, ये वायर जो है, ये वायर यहाँ से ब्रेक तो नहीं है, और चौथा पॉइंट हो गया ये जो है, ये ना इधर बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी मशीन ऑन है और हिट नहीं कर रही, तो यही चार पॉइंट होते हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होता। तो इसे आप तुरंत पता भी लगा सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट ख़राब है तो आप एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट चेंज करने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मशीन में आने वाली प्रॉब्लम कि आपकी मशीन कट नहीं मार रही है, ऑटो कट नहीं हो रही है।
ऑटो कट का फंक्शन ये होता है कि आपने अगर दो पे रखा है और आप कोई पॉलीथीन सील कर रहे हैं, जैसे ही दबाते हैं, दबाने के बाद भी एक बीप साउंड आता है और अपने आप बंद हो जाता है। बीप साउंड जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कहते हैं ऑटो कट। ये कट हो गया, इसको बोलते हैं ऑटो कट। अगर आपकी मशीन इस तरह से ऑटो कट नहीं हो रही है तो क्या समस्या हो सकती है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कट नहीं हो रही है आपकी मशीन तो उससे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो तो ये कि काफ़ी सारे कस्टमर्स जब पेप्सी वगैरह का बिजनेस करते हैं, जो पेप्सी वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि इस स्विच में पानी या कोई लिक्विड चला जाता है, कुछ कस्टमर्स को चला गया और ये स्विच जाम हो गया तो ये ऑन ही रहेगा, अंदर दब गया तो दबा रह जाएगा, तो ये आपकी मशीन कट नहीं मारेगी और कंटिन्यू ऑन रहेगा आपकी मशीन, तो वो भी एक समस्या है। तो ये चांस बहुत कम होते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे बोर्ड से आती है। अगर आपकी मशीन कट नहीं मारी तो सबसे पहले पॉइंट आपको चेक करना है कि यहाँ से ये जो तार लगे होते हैं, दो तार हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं टॉन, और उस टॉन में दो तार लगे होते हैं, एक सेंटर में एक लेफ्ट में, इनमें से कोई भी एक वायर अगर छूट गया तो आपकी मशीन कट नहीं मारेगी। दूसरा ये है कि इस बोर्ड को आप जो खोलेंगे, खोलने के बाद ये वायर या तो यहाँ से भी टूटा हो सकता है या इस बोर्ड में से भी, ठीक है। और उसके बाद इस बोर्ड में फॉल्ट आ जाता है जो कि ये रिले होता है, ये रिले कट करता है, ये रिले ख़राब हो जाता है तो कट नहीं करेगा। तो कट के रिगार्डिंग तो यही समस्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कस्टमर्स की कॉल आती हैं कि बजर जब हम ऐसे मशीन के हैंडल को दबाते हैं तो बीप साउंड जो आता है वो नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी सारे कस्टमर्स की ये इंक्वायरी भी होती है कि उनके वायर टूट गए, उन्हें पता नहीं कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप ये बोर्ड खोलें तो यहाँ पे एक रबड़ है जो कि अंदर गिर गया है, वो रहा ब्लैक रबड़। तो वो ब्लैक रबड़ आप लगाएंगे, लगाने के बाद गत्ता लगाएंगे, उसके बाद ही बोर्ड वापस कसना है आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मशीन में बॉडी में करंट भी आ सकता है। ये रबड़ यहाँ पे रहेगा ऐसे, और गत्ता लगाने के बाद ही आपको कसना है। मैं आपको दिखाऊंगा कस के, आपको बता देता हूँ पहले इसमें। ये है हमारा मदरबोर्ड, इसमें लगे होते हैं ये वायर, एक होता है एलईडी का, ये जो एलईडी है, ये हमने जो ये एलईडी इस्तेमाल की है ये है डबल कलर्स में होती है, तो सिंगल कलर्स में भी आती है। इसमें अगर आप हैंडल पुश करते हैं तो ग्रीन एलईडी ग्रीन लाइट आती है और नॉर्मली रेड ऑन रहती है। आप अगर इस तरह की एलईडी अगर कभी ख़राब हो जाए, आपको ना मिले, तो ये वायर आप डायरेक्ट कटिंग कर दीजिए और ये दो वायर आप लगाएंगे तो रेड एलईडी से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट हैं ये आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये जो दो पॉइंट हैं, जैसे आप बोर्ड को ऐसे पकड़ेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख लीजिए जूम करके, ये दो पॉइंट जो हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट एलईडी के लिए होते हैं, और एक पॉइंट ये और एक ये आगे जो अपना टाइमर नॉब है इसको ऑपरेट करने के लिए हैं। अगर ये वायर यहाँ से छूट गए तो आपकी मशीन कट नहीं मारेगी। तो दो पॉइंट ये जो हैं ये अंदर उस वॉल्यूम पे जा रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वॉल्यूम है हमारा, इसमें इस वॉल्यूम पे जा रहे हैं दो वायर, दो ये, ठीक है। और ये ब्लैक एंड रेड वायर जो है ये बजर के लिए होती है, जो बीप साउंड आप सुनाई देती है आपको, ये उनके लिए है। तो ब्लैक यहाँ पे लगेगा, रेड यहाँ पे लगेगा, बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। और ये जो चार पॉइंट दिए हैं, ये दो पॉइंट इस आपकी सप्लाई के हैं, ये दो पॉइंट आपकी डायरेक्ट यहाँ से जो स्विच के थ्रू जो आ रहे हैं, ये दो पॉइंट हैं। और ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट स्विच के थ्रू आ रहे हैं, और ये जो दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये ट्रांसफार्मर में जा रहे हैं।
तो अगर आपका बजर बीप साउंड नहीं चल रहा है तो ये वायर छूटे हो सकते हैं। अगर आपका बीप साउंड नहीं बज रहा है तो ये दो वायर छूटे हो सकते हैं, या आपका बजर जो स्पीकर है ये बजर जो है इसको बजर बोलते हैं ब्लैक वाला, ये बजर ख़राब हो सकता है। अगर आपकी लाइट सब आपकी मशीन परफेक्ट वर्क कर रही है सब कुछ, लेकिन इंडिकेटर नहीं चल रहा तो आपका ये इंडिकेटर ख़राब हो सकता है, या फिर आपकी मशीन कट नहीं मार रही है या आपका ये काम नहीं कर रहा है ख़राब हो गया है, तो ये वहाँ से वायर भी छुटा हो सकता है या वो भी ख़राब हो सकता है। तो और अगर आपकी मशीन ऑटो कट नहीं हो रही है तो ये रिले होती है, ये रिले में कोई पॉइंट यहाँ पे ड्राई हो सकता है या फिर रिले ख़राब हो सकती है। और इतना ही है फ्रेंड्स इस वीडियो में, अभी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी हमने दे दी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे इसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स, पावर नहीं आ रही है, सील मशीन कट नहीं हो रही है, गर्म नहीं हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स बताई थी। ये हमारा लास्ट था। अभी हमने अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगे कि कुछ छूट गया है या आपकी समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है वीडियो देखकर, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। ये इसे ये होगा कि हम जो भी वीडियोस डालेंगे इस मशीन के रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आप वीडियो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों।